जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है जो स्त्री अपने होठों को सुंदर बनाना चाहे उसके लिए माता पार्वती जी ने क्या कहा है, आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। तो वही अगला भाग, तो क्या कहा है, 20वें श्लोक से कहा है, जो स्त्री होठों को सुंदर करना चाहती हो वह वर्ष भर प्रत्येक नवमी को मिट्टी के बर्तन में जल पिए और बिना मांगे मिला अन्न खाए। अर्थात ऐसा उपवास रखना है कि एक तो मिट्टी के बर्तन में जल लेना है और बिना मांगे मिले तो ही अन्न खाना है। और स्वाभाविक है, यदि बिना मांगे मिलेगा तो वैसे तो एक ही समय भोजन करना है, तो वही करेंगे तो अच्छा परिणाम होगा। जैसे आजकल तो हर एक नवरात्रि हो अथवा कोई भी त्योहार हो, आप लोग 6-7 बार खाते हैं। सामान्य समय में 2-4 बार खाते हैं, ऐसे समय में 6-7 बार खाते हैं। आलू के चिप्स अलग बनेंगे, आलू भुने हुए अलग बनेंगे, कूटू की पूड़ी अलग बनेगी, फल इन्हें अलग चाहिए, दही उसके ऊपर डला चाहिए, मीठा अलग चाहिए। तो ऐसे नहीं, एक ही बार भोजन करना है बिना मांगे। संवत्सर पूर्ण होने पर ब्राह्मण को मूंगे का दान दे। ऐसा करने वाली स्त्री के होंठ बिंब फल सदृश सुंदर हो जाते हैं। वह सुंदरी, वपुष्मति, पुत्रवती, धनाढ्या और भाग्यवती हो जाती है और उसके घर सदा गौबंदी रहती है। अर्थात उसके घर में दूध की कोई कमी नहीं होती, इतने साधन उसके पास होते हैं। तो ये था बंधुओं कि कैसे सुंदर बनाया जाए होठों। अब सुंदर दांत का भी इसी के साथ ले लेते हैं। सुंदर दांत की इच्छुक स्त्री साल भर प्रत्येक शुक्ल पक्ष को, अष्टमी को उपवास करे। वर्ष पूरा होने पर चांदी के दांत बनवाकर तथा उसे दूध में डालकर ब्राह्मण को दे दे। ऐसे करने वाली स्त्री के दांत जूही पुष्प के सुंदर समान सुंदर हो जाते हैं और वह पुत्रवती तथा भाग्यवती हो जाती है। तो ये था बंधुओं कैसे सुंदर बनाएं अपने दांत और अपने होठ। तो आप भी यदि सुंदर बनाना चाहें तो इन व्रतों का पालन कर सकते हैं। बंधुओं, आप लोग सोच रहे होंगे कि इन व्रतों का पालन करने से क्या लाभ, आजकल तो सर्जरी करवा लो अथवा ऐसे अन्य उत्पाद आ रहे हैं। बंधु, आजकल जो उत्पाद आ रहे हैं, अनेकों उत्पादों में तो चर्बियां लगी होती हैं, रक्त लगा होता है। नेल पॉलिश लगाते हो उसमें रक्त होता है, लिपस्टिक लगाते हो उसमें चर्बियां होती हैं, और अगर सर्जरी भी की जाएगी तो वो भी सर्जरी तो फिर सर्जरी ही है, उसमें भी कोई ना कोई ऐसा यंत्र आपके लगाया जाएगा जो किसी पापी के स्पर्श हुआ होगा। तो इन सब चीजों से वैसे भी हमें बचना ही है, ऑपरेशन कौन करवाना चाहता है अकारण अपना। इसलिए ये सबसे सात्विक प्रकार होता है कि अपने अंगों को सुंदर बनाने का। यदि आपको इस पे विश्वास ना भी हो तो भी करने में क्या घाटा है, एक वर्ष करके देखिए। लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धावान लभते सिद्धि। श्रद्धावान जो होता है उसी को लाभ मिलता है और श्रद्धावान को ही सिद्धि मिलती है। जो श्रद्धा भक्ति रखता है उसी को लाभ मिलता है, उसी को सिद्धि मिलती है। जो श्रद्धा नहीं रखता उसे सिद्धि और लाभ, भगवान ये सब थोड़ी मिलेंगे। जो चाहता ही नहीं है मुझे भगवान मिले, उसे भगवान क्यों मिलेंगे। तो इसलिए बंधुओं, इसका पालन करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।